गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन। आज मैं आपको इंग्लिश का सेकंड लेसन पढ़ाऊंगी, स्मॉल एबीसीडी और हाउ टू राइट अल्फाबेट्स एंड लेटर्स। ये है स्मॉल अल्फाबेट यानी कि स्मॉल एबीसीडी। चलिए इसको भी हम वापस गाते हैं और आप भी इसे मन में दोहराना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Small ABCD को हम बीच की लाइनों में या नीचे की तीन लाइनों में ज्यादातर लिखते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट अल्फाबेट्स और हाउ टू राइट लेटर्स। इसके लिए हमको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि सीधी लाइनें, आड़ी लाइनें कैसे खींचते हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड में दिखा रखा है, ऐसी लाइनें खींचने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है, हाफ सर्कल्स और फुल सर्कल्स बनाने हैं, यानी कि आधे गोले और पूरे गोले बनाने हैं, और बार बार हमको लाइंस और गोलों की प्रैक्टिस करनी है। इन लाइंस की प्रैक्टिस से हम बहुत सारे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आसानी से बना लेंगे। तो चलिए पहले कैपिटल लेटर्स देखते हैं। देखिए, जब हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट लाइंस बनाना सीख जाएंगे, यानी सीधी, आड़ी और तिरछी रेखाएं बनाना सीख जाएंगे, तो हम कैपिटल अल्फाबेट्स में लेटर्स ए ई एफ एच आई जे के एल एम एन टी V, W, X और Z आसानी से बना लेंगे। और स्मॉल ABCD में लेटर F, I, J, K, L, R, T, V, W, X, Y, Z आसानी से बना लेंगे। जब हम लाइंस और सर्कल, हाफ सर्कल बनाना सीख जाएंगे, तो कैपिटल लेटर B, C, D, G, O, P, Q, R, S और यू आसानी से बना लेंगे। और स्मॉल अल्फाबेट्स में लेटर ए बी सी डी ई जी एच एम एन ओ पी क्यू एस और यू बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखा बच्चों आपने, कितने आराम से हम लाइंस और सर्कल और हाफ सर्कल सीखने के बाद सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स सीख सकते हैं। तो बताओ राहुल, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा मैम कि डिफरेंट तरह की लाइंस, सर्कल और हाफ सर्कल सीखने से हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश के सारे अल्फाबेट सीख जाएंगे। और टीना, तुम बताओ तुमने क्या सीखा? मैंने भी मैम वही सीखा जो राहुल ने सीखा, और आपने कहा है हमें रोज इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो हम घर जाके डेली अल्फाबेट की प्रैक्टिस करेंगे। बाय बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नया लेसन लेके।